बलिया के कुंवर सिंह महाविद्यालय छात्र संघ के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मोदी से लेकर भाजपा के अन्य नेताओं पर खूब तंज कसा। बलिया के महाविद्यालय पहुंचकर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मोदी ने अपने भाषण में कहा था, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है और आज देखा जाए तो गंगा अपने हाल पर आंसू बहा रही है। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी और GST के बाद देश के व्यापारियों को परेशान बताया। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लोग नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन पान और पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं। सपा बसपा गठबंधन पर उन्होंने कहा कि मायावती के साथ अखिलेश के गठबंधन को नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में भी कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई। आपने ठगने में, आपने गुमराह करने में किसी को नहीं छोड़ा, न गंगा मैया को छोड़ा, न देश के नौजवानों को छोड़ा, न देश के किसानों को छोड़ा, न देश के व्यापारी लोग जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ नोटबंदी और GST के बाद इस देश का व्यापारी भी पूरी तरह से परेशान है। एक है व्याप्त करने की नियत से, राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की नियत से फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। एक नहीं कई इनकाउंटर सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने, चाहे वो जितेंद्र का उदाहरण ले लें आपके गाजियाबाद नोएडा का, चाहे वो एक नगर का हुआ था। न्यूज़ वीके के लिए बलिया से मुमशाद अहमद की रिपोर्ट।